सौ बार नहीं, हजार एफआईआर आप करवा लीजिए। कल से जंतर मंतर पे मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा गूंजेगा और ये पूरे देश में जाएगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, पोस्टर लगवाते हो बिना नाम के, और जब एफआईआर होती है तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। सियासी घमासान के बीच देखिए भाजपा और आपका पोस्टर वार। देश की राजधानी में पोस्टर वार ने तूल पकड़ लिया, पर आम आदमी पार्टी भी इस विवाद में अब खुलकर सामने नजर आती दिख रही है। दिल्ली में आपके संयोजक गोपाल राय ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी जंतर मंतर से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद करेगी। राजधानी के कई इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पीएम मोदी समेत अन्य आपत्तिजनक पोस्टर मामलों में पुलिस ने अभी तक कुल 138 एफआईआर दर्ज की है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल दर्ज एफआईआर में से 36 एंटी मोदी पोस्टर लगाने को लेकर है। पोस्टर मामले में गोपाल राय ने कहा, पोस्टर लगाने पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या आपत्तिजनक पोस्टर है? मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो दिक्कत क्या है? भाजपा भी तमाम तरह के पोस्टर विरोधी पार्टियों के लिए लगाती रहती है। देश के पीएम अगर लोगों की आकांक्षा पूरा करने में असफल हो रहे हैं, देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं, तो इसका एक ही समाधान है, मोदी हटाओ देश बचाओ। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय के मुताबिक पोस्टर आम आदमी पार्टी ने ही लगवाए हैं। गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी हजारों पोस्टर लगवाती रहती है, कभी एफआईआर नहीं होती। रोजाना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी पोस्टर लगाती है, कभी एफआईआर नहीं होती है। यह एक तरह का डर दिख रहा है। यह पार्टियों का अधिकार है कि वह क्या नारा लगाते हैं। पुलिस को इस तरह की एक तरफा कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। इस बीच पोस्टर विवाद पर दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना का कहना है कि कानून के अनुसार प्रिंटर के नाम के साथ पोस्टर लगाने होते हैं। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाने में कानून का पालन नहीं किया। आप में हिम्मत नहीं है कि वे कहे उसी ने पोस्टर लगाया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कुछ यही आलम आम आदमी पार्टी का है। आप पोस्टर लगवाते हो बिना नाम के, जब एफआईआर होती है तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, कानून तो आप मानते ही नहीं, इसलिए पोस्टर लगवा दिए। हिम्मत है तो नाम डालिए, कानून अपना काम कर रहा है, इसके बीच पॉलिटिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर बड़ी जनसभा करने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जंतर मंतर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया न्यूज।